हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आहूजा टेक्निकल हंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बेसिकली कैड मॉडलिंग के बारे में। और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कैड मॉडलिंग कैसे सीखी जा सकती है और कैड मॉडलिंग को सीखने से क्या फायदा होगा और कैड मॉडलिंग अगर हम करते हैं या सीखते हैं तो उससे हमें आगे आने वाले टाइम में क्या फायदा होगा और हम क्या कर सकते हैं एक्चुअल में अगर कैड मॉडलिंग हम सीखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जहां पर मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि सर मुझे हमको ये जानना है कि कैड मॉडलिंग कैसे सीखी जा सकती है। अगर हमको कोई 0% नॉलेज है, अगर हमको कोई नॉलेज ही नहीं है कैड मॉडलिंग को, हमको सीखना है कैड मॉडलिंग तो कैसे सीख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आज के टाइम में अगर आप कैड मॉडलिंग सीखना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कैड मॉडलिंग काफी इजी तरीके से सीख सकता हूँ या फिर मुझे कोई आगे बेनिफिट लगता है कि मैं अगर कैड मॉडलिंग सीख जाता हूँ, अगर मैं जैसे कि ऑटोकैड सीख लेता हूँ या फिर मैं फ्यूजन 360 को सीख लेता हूँ या फिर मैं पावर मिल को सीख लेता हूँ, मैं या सॉलिड वर्क को सीख लेता हूँ, तो इन सबको सीखने के बाद में मुझे क्या मतलब बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में, आगे क्या बेनिफिट होगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर आप ये चीजें सीखते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है यहाँ पर क्योंकि कर तो लिया आपने, कैड मॉडलिंग सीख ली, लेकिन अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सीख तो लिया, अब हम जाएं कहाँ पे इसको लेकर के, कहाँ पे हम जॉब करें, ये करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये चीजें करते हो तो आपको क्या करना है, आपको एज ए उस चीज को फ्रीलांस लेकर चलना है। यानी कि आप उस चीज को अगर फ्रीलांस लेकर चलते हो, मतलब कि मान लो कि आपको कैड मॉडलिंग आती है, आपको ड्राफ्टिंग आती है, आपको इंटीरियर डिजाइन आता है, आपको एग्रीकल्चर डिजाइनिंग आती है, तो आप इसको एज ए फ्रीलांस वर्क लेकर चल सकते हो। मतलब कि आपने देखो कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहां पे आपको फ्रीलांस वर्क मिलता है ना, तो वो फ्रीलांस वर्क करने के लिए आपको एक अपना एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है कि भाई मैं कैड मॉडलिंग कर रहा हूं। जैसे मैं कैड मॉडल, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मैंने कैड मॉडलिंग कहाँ से सीखी। ना मैं कहीं कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था मैंने कैड मॉडलिंग सीखने के लिए, मैंने बेसिकली ये जो चीजें सीखी हैं वो सीखी हैं यूट्यूब से। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था कैड मॉडलिंग से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, और भी वीडियो मिल जाएंगी, केवल मेरी वीडियो नहीं मिलेंगी आपको यूट्यूब पे, और भी लोगों की वीडियोस आपको मिलेंगी जो कि कैड से रिलेटेड वीडियोस बनाते थे। तो मेरे दिमाग में भी आया क्यों ना मैं भी कैड मॉडलिंग सीखूं और उसको, और सीखने के बाद में मैं अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं। स्टार्टिंग में मैं कुछ एनिमेशन की वीडियो डालता था, इसके अलावा मैं कुछ सॉफ्टवेयर की वीडियो इस चैनल पर डालता था, अभी भी वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लेकिन उसके बाद में मेरे को लगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है लोगों को, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मुझे कैड में बहुत ज्यादा रुचि थी पहले से ही, तो मैंने देखा यार लोग कैड मॉडलिंग बना भी रहे हैं और डाल भी रहे हैं यूट्यूब पे, और डालने के बाद में यूट्यूब से भी वो अर्निंग कर रहे हैं, तो एज ए एडुकेशनल पर्पज से मैंने आहूजा टेक्निकल हंट चैनल को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में अगर आज आप जाओगे तो लगभग 200 से 250 वीडियोज आपको जो है कैड से रिलेटेड मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आपको बेसिक ऑटो कैड से रिलेटेड, आपको फ्यूजन 360, अभी जो कि हमारा सेकंड सॉफ्टवेयर जो चल रहा है वो फ्यूजन 360 है, जब ये सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट होगा तो उसके बाद में सॉलिड वर्क या पावर मिल जो हमारा अगला सॉफ्टवेयर है वो भी जल्द ही जो है इस चैनल पे आने वाला है। तो काफी ज्यादा आपको नॉलेजेबल वीडियोज यहाँ पे मिल जाएंगी, और आने वाले टाइम पे भी आपको यहाँ पे कई सारी नॉलेजेबल वीडियोज, एडुकेशनल वीडियोज जो है कैड से रिलेटेड मिल जाएंगी। अब सीखा कैसे जाए वो इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने ना तो कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था और ना ही मैं कहीं इसको सीखने गया हूं, मैंने बेसिकली यूट्यूब से ही ये सारी चीजें सीखी हैं, और उसी चीज को सीखने के बाद में मैं वापस से उन्हीं चीजों को वापस यूट्यूब पे एज ए एडुकेशनल पर्पज के रूप में यहाँ पर डाल रहा हूँ। और इसके बाद में यहाँ पर हमारे चैनल पे आपको और भी कई सारी एडवांस वीडियोज जो है अभी थोड़े टाइम में देखने को मिलेंगी। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जो काफी ज्यादा एडवांस लेवल तक की हैं, लेकिन बहुत से हमारे जो कमेंटेटर हैं वो कुछ हमको इमेजेस देते हैं, बोलते हैं और ये इमेजेस हमको जो है आप बना के बताइए। तो अभी रिसेंटली मेरे पास में एक इमेज आई थी और मैंने उसको व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया था, और मैंने वहां लिखा है कि कमिंग सून। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप स्टेटस भी अगर देखा हो तो वहां पे मैंने लगा रखा है कि ये वीडियो आपकी जो है, ये जो हमारा इमेज जो आपने भेजी है वो जल्दी आने वाली है, तो वो आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वो जल्द ही आपको मिल जाएगी, हमारे इसी चैनल पे आपको मिलेगी, आउटर टेक्निकल हंट पर।
तो कैड मॉडलिंग सीखना काफी इजी है, केवल और केवल आपको इम्पोर्टेंट ये होता है कि कितने कमांड आप जो है याद रख पाते हो, क्योंकि कैड मॉडलिंग करना काफी इजी नहीं है, क्योंकि अगर आप बड़े से बड़े मॉडल को अगर बनाओगे, काफी छोटे मॉडल तो मैं आपको काफी कम कमांड यूज करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल तक के अगर मॉडल बनाओगे तो वहां पे आपको कई सारे कमांड भी याद रखने पड़ेंगे, उन कमांड्स को कैसे अप्लाई करना है उन मॉडल्स पे वो आपको सबसे पहले आना चाहिए। तो आप सबसे पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट कीजिए। बेसिक लेवल मींस कि आप जो हमारे कमांड्स होते हैं, जैसे कि फ्यूजन 360 जैसे मैं सिखाता हूं, तो उसमें कमांड होते हैं, क्योंकि वो काफी इजी सॉफ्टवेयर है, तो वहां पे आप हर चीज को काफी इजी तरीके से बना सकते हो। और अगर आप सीखना ही चाहते हो 3D मॉडलिंग, तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फ्यूजन 360 से स्टार्ट करते हो तो काफी इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आप जो चीजें बनाओगे ना, यहाँ पे मतलब आपको जो कमांड्स मिलेंगे, एक ही कमांड से आपके मल्टीपल टास्क हो जाते हैं। आपको रिवॉल्व कमांड करना है, रिवॉल्व कमांड में आपको कट भी मिलता है, आपको जॉइंट भी मिलता है, आपको इंटरसेक्ट भी मिलता है, मतलब आपको एक ही कमांड के अंदर आपको मल्टीपल टास्क मिल रहा है। अब फ्यूजन 360 में फायदा क्या होता है कि आप मॉडलिंग तो कर ही सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग, अगर भाई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप घुस रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आप जा सकते हो। आप फ्यूजन 360 के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन मिलता है आपको, वो भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे सर्फेसिंग का ऑप्शन भी मिलता है आपको, इसके अलावा स्कूल पट का भी ऑप्शन आपको मिलता है। स्कूल पट अगर आपने नहीं सुना है नाम, तो फ्यूजन 360 या फिर आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा स्कूल पट क्या होता है, 3D मॉडलिंग या 3D स्कूल पट क्या होता है, वो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे जाकर, आप सर्च कर लेना बेसिकली क्या होता है, वो आपको मिल जाएगा। पीसीबी डिजाइन नया ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है पीसीबी डिजाइन का। फ्यूजन 360 ने अभी रिसेंटली अपना जो बैकग्राउंड कहते हैं जिसको, जो इनके कमांड्स है, उन्होंने और भी एडवांस कर लिए हैं। क्योंकि पहले वाला फ्यूजन 360 और अभी वाला, अगर आप फ्यूजन 360 देखोगे तो आपको वहां पर कई सारे अंतर दिखाई देंगे। पहले जो कमांड्स होते थे अभी के कमांड में काफी ज्यादा फर्क है, उन कमांड्स को आज के टाइम में उन्होंने और ज्यादा एडवांस कर लिया है, यानी कि अब आप और भी ज्यादा एडवांसिंग उसमें कर सकते हो। जैसे आपको फेस कटिंग करनी है, आपको बॉडी में कटिंग, बॉडी बना करके उसमें कोई स्लिप देना है या फिर कोई कटिंग करनी है, तो वो आप फ्यूजन 360 के अंदर कर सकते हो। और इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है, प्रोजेक्ट वर्क भी आप कर सकते हो उसके अंदर, तो ये सारे काम आप कर सकते हो। अब आप उसको फ्रीलांस कैसे ले सकते हो, मतलब कि आपने कर तो लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इसको कर तो लिया, लेकिन आप इसको फ्रीलांस वर्क की तरह देखिए। आप ग्राफिक डिजाइन कर सकते हो, आप कैड मॉडलिंग में इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो, एग्रीकल्चर डिजाइनिंग कर सकते हो, 3D मॉडलिंग, 3D कंपोनेंट्स बना सकते हो वगैरह, अगर ये सारी चीजें आप कर सकते हो, आप इसको फ्रीलांस ले लो, आप पोर्टफोलियो बना लो कि भाई मैं 3D मॉडलिंग के अंदर ये काम कर सकता हूं। और इससे भी ज्यादा अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो कि है ग्रेपकेड के नाम से, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर क्या वो ग्रेपकेड वाली भी जो वीडियो है हमारी जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आप फ्रीलांस वर्क जो है ला सकते हो। और वहां पर जो है आप अगर मान लो भी आपको कैड मॉडलिंग आती है ना, तो आप कैड मॉडलिंग से रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल बनाते हो और यूट्यूब पे भी डालते हो, तो आप वहां पर भी डाल सकते हो, है ना। अगर आप एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो मैंने उसमें भी बताया है कि आप उस ग्रेपकेड वाली साइट पर जाइए और वहां से आप एडवांस लेवल तक चीजों को काफी इजी तरीके से सीख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड आप जो है 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। 3D मॉडलिंग केवल एक तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि शीट मेटल हो गया, है ना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो शीट मेटल का भी वर्क करती हैं। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सुना हो तो शीट मेटल वर्क होता है, जिसमें वो बॉक्सेस बनाना हो गया, कॉर्न्स बॉक्स हो गया या फिर कवर बॉक्सेस हो गए, ये सारी की सारी चीजें जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं वो इंडस्ट्री शीट मेटल पर वर्क करती है। तो शीट मेटल वर्क क्या होता है, वो शीट मेटल वर्क सबसे पहले कैड के अंदर किया जाता है, उसके बाद में वो चीज जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग बनके निकलती है। आप सीएनसी में वर्क करते हो, आप वीएमसी पर वर्क करते हो या फिर आप एचएमसी पर वर्क करते हो, तो एज ए आप मैन्युअली भी कर सकते हो। आप इसके अलावा आप फ्यूजन 360 को यूज कर सकते हो, पावर मिल भी काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप उसको भी यूज कर सकते हो उसके अंदर आप। तो ये सारे जो सीएनसी और जो मिलिंग टूनिंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, 3-4 वीडियो मेरे इस चैनल पे आ चुकी हैं और आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस आने वाली हैं इनसे रिलेटेड। काफी ज्यादा हमारे जो व्यूअर्स थे, हमारे कमेंटेटर्स थे, वो कह रहे थे कि आपकी जो पहली वाली वीडियो काफी अच्छी लगी हमको, फिर मैंने उनको बीच में रोक दिया और फिर मैं वापस मॉडलिंग पे आ गया। देन उसके बाद में तो इस तरीके से ये मल्टीपल टास्क जो है यहाँ पर चलता रहेगा। और आने वाले टाइम में हम स्कूल पर भी जो होता है सरफेसिंग भी होती है, जो किस तरीके से होती है फ्यूजन 360 के अंदर,
बेसिकली वो सारी चीजें भी हम सीखेंगे। और अगर आपको कोई भी ज्यादा अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया है हमारे केड वीडियोस के नाम से। आप डायरेक्टली फेसबुक पे जाकर सर्च कर सकते हो, या फिर मैं उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आपको वहां से जाकर के भी आप जो है देख सकते हो। और अगर आपको कोई अगर मतलब आपको लगता है कि यार मेरे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर कर लो, या फिर आप क्योंकि हमारे यूट्यूब वीडियो के नीचे भी आपको एक कमेंट सेक्शन मिलता है, आप वहां भी कमेंट कर सकते हो। बट अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हो, अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज उस वीडियो से मिलता है, तो प्लीज आप उस वीडियो पर कमेंट करके हमको बताइए, ताकि हमको ये भी पता चल सके कि हमारे जो वीडियोस बनती हैं उन वीडियोस में कुछ कमी तो नहीं है। क्योंकि आउजा टेक्निकल हंट फ्रेंड यहाँ पे मैंने जो ये चैनल बनाया है वो बेसिकली आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आप कैड मॉडलिंग में बहुत ज्यादा रुचि रखते हो तो ये चैनल आपके लिए ही है, और आप आकर के इस चैनल पर काफी सारी कैड मॉडलिंग से रिलेटेड और भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे कुछ चीजें बहुत सारी चीजें अगर कुछ बाकी हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी जो है वीडियो बनाऊंगा। तो आपके कमेंट जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक्चुअल में सीखना क्या चाहते हो। हम वीडियोस तो बना लेंगे, हम जैसे कुछ दिन पहले मेरे पास में आपको जैसे मैंने बताया कि कमेंट आया, एक बंदे ने मुझे इमेज भेजी कि आप ये वाला इमेज बनाइए, तो उसकी भी वीडियो जो है आने वाली है इसी चैनल पर आउजा टेक्निकल हंट पर। केवल 2-4 दिन के अंदर आपको जो है वो वीडियो भी यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर लिखिए, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है केड वीडियोस। तो फ्रेंड बेसिकली यहाँ पर मेरा जो ये पर्पस था इस वीडियो को बनाने का यही था कि बहुत से लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन लगा है कि कैड मॉडलिंग कैसे की जाती है, कैसे सीखी जाती है। तो आप कोचिंग सेंटर में भी ज्वाइन कर सकते हो, बट मेरे पास मैं आपको बताना चाहता हूँ काफी अच्छा खासा नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप आइए, आपके लिए प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। अगर आपको और भी कोई दूसरा अगर नॉलेज है तो वो नॉलेज भी आप जो है इस यहाँ पर यूट्यूब पे आकर के जो है शेयर कर सकते हैं, ताकि क्या है कि नॉलेज, क्योंकि यही कहा जाता है कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। तो अगर आपको कोई दूसरा नॉलेज है, आपको कुकिंग का नॉलेज है, आपको किसी भी चीज का अगर नॉलेज है, तो आप आइए, यूट्यूब खुला है आपके लिए, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और आप अपने भी नॉलेज जो है यहाँ शेयर कर सकते हो। और अगर आपको कोई नॉलेज लेना है कैट से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये काफी बड़ी हो गई ये वीडियो, लेकिन मुझे बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि आप क्या सीखना चाहते हो इसके अलावा। तो उसी तरीके की वीडियो जो है हम आगे टाइम पे लाएं। तो उम्मीद करता हूँ आने वाली वीडियोस आपको काफी ज्यादा अच्छी लगेंगी और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों मुझे इस वीडियो पे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। गुड बाय।